सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। राष्ट्रीय सेवा भारती लगातार समाज के अलग अलग वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। समाज के प्रति इसी कर्तव्य का निर्वाह करते हुए संस्था की तरफ से दिल्ली के वजीराबाद में भी एक भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण किया गया है। रविवार को द्वारिका शारदा जगतगुरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम जी महाराज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक सुरेश भैया जी जोशी जी ने मंदिर का लोकार्पण किया। शारदा जगतगुरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम जी महाराज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी ने मंदिर का लोकार्पण किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम ने एक उदाहरण के जरिए मौजूद लोगों को बताया कि किसी भी काम को करने के लिए संकल्प जरूरी होता है, साधन तो अपने आप जुड़ जाते हैं। संकल्प की आवश्यकता है, साधन तो जुड़ जाते हैं। और किसी मनुष्य का संकल्प ही होता है जो उसको सिद्धि तक पहुंचाता है। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, सूर्य भगवान के बारे में वो श्लोक कहा जाता है, रथस्यैकं चक्रम भुजगमयतः सप्तदुर्गा। भगवान सूर्य नारायण का जो रथ है वो कैसा है, उसमें एक ही पहिया है। रथस्यैकं चक्रम और भुजगमयतः सप्तदुर्गा, उसमें सात घोड़े जुड़े हैं। और वो घोड़े भी कैसे हैं, तो उन घोड़ों के पैरों में सर्प बंधे हुए। रथस्यैकं चक्रम भुजगमयतः सप्तदुर्गा निरालंबो मार्ग। और मार्ग भी कैसा है कि जिसमें कोई अवलंबन नहीं है, सहारा नहीं है। तो बोले हो सकता है उसका चलाने वाला बहुत योग्य हो। बोले चरण विकलयो सारथी रखी, और जो उसका चलाने वाला ड्राइवर है, सारथी है, उसके दोनों पैर ही नहीं है। तो चरण विकलयो सारथी रवि रवि यान्ते मान्तम प्रथम दिनम नभसा परा। वो रवि, वो सूर्य ऐसे रथ पर सवार होकर प्रतिदिन पूरे सौर मंडल की परिक्रमा करता है। क्यों? क्रिया सिद्धि सत्वे भवति मेहताम नोपकरणे। महान पुरुषों की कार्य सिद्धि संकल्प से होती है, साधनों से नहीं। साधन तो जुड़ जाते हैं, साधन तो आ जाते हैं, लेकिन संकल्प हो तब। लेकिन वेद ने कहा संकल्प कैसा करो, बोले तन में मना शिव संकल्प संतु। शिव संकल्प होना चाहिए, हमेशा कल्याण की बात सोचनी चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति कल्याण का संकल्प करेगा तो सबका कल्याण होगा, और जब उसका सबका कल्याण होगा तो उसका भी कल्याण होगा। और जब व्यक्ति दूसरों के बुराई के लिए संकल्प करेगा तो उसकी बुराई होगी, तो जो संकल्प करने वाला है उसकी भी जो है बुराई होगी। इसलिए सदैव शिव संकल्प करो, अच्छा संकल्प करो, लोगों के लिए लोग जिए ऐसा संकल्प करो। चोरी करना, पीछे किसी की बुराई करना, निंदा करना, गाली देना, ये तो पाशविक प्रकृति है। और पशु जो है वो संकल्प कर नहीं सकता, संकल्प तो मनुष्य ही करता है। आज ये जो यहाँ कार्यक्रम देख रहे हैं,
और वो संकल्प कब पूरा होगा, किसके द्वारा पूरा होगा, उसको कौन करने आएगा, इसमें अंतर हो सकता है, लेकिन संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता है, संकल्प पूरा होता है। मंदिर के लोकार्पण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी ने कहा कि आज सिर्फ बीज अंकुरित हुआ है, आने वाले वक्त में मंदिर परिसर में बनने वाले सेवा केंद्र के जरिए लोगों को हनुमान जी के दर्शन के साथ साथ सामाजिक दायित्व का स्मरण भी होगा और केंद्र से लोगों को लाभ भी मिलेगा। यहाँ पर जो केंद्र आगे चलकर विकसित होगा वो हनुमान जी के दर्शन के साथ साथ इस सामाजिक दायित्व का स्मरण कराने वाला केंद्र यहाँ पर होगा। सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार से काम किया जा सकता है उसका प्रशिक्षण देने वाला केंद्र यहाँ पर विकसित होगा। यहाँ पर ऐसे कुछ काम चलेंगे जिससे जन सामान्य लाभान्वित होता रहेगा और लाभान्वित होने का मतलब है वो भी हनुमान जी के आशीर्वाद लेकर इस कार्य का हिस्सा बनता जाएगा। ऐसा एक पवित्र क्षेत्र यहाँ पर विकसित होने जा रहा है, उसका बीजारोपण हुआ, आज अंकुरित रूप में उभर कर सामने आया। मैं इसको अंकुर कहता हूं, यह भी वृक्ष नहीं बना है पर बीज है, बीज पड़ा है, अंकुरित हुआ है और इसका वृक्ष बनना यही इसकी नियति है। अगर यही इसकी नियति है तो हम सब सोचे कि उस नियति के हम भी एक भागीदार बने, हम हिस्सा बने और इस पवित्र कार्य को हनुमान जी के दर्शन के साथ साथ इस पवित्र कार्य को बढ़ाने का मैं भी एक साधन बनूंगा। हमको राष्ट्रीय सेवा भारती एक माध्यम के रूप में मिला है। लोगों को कभी लगता है कि कहां जाकर काम करेंगे, वैसे मेरा तो आह्वान है कि आप इस सेवा भारती के कार्य को समझे और सेवा भारती के कार्य को समझकर करना, यही भगवान वीर हनुमान जी की, दास हनुमान जी की, एक श्रद्धा युक्त हनुमान जी की, एक शक्ति युक्त हनुमान जी की आराधना यही है कि उनकी ओर देखते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए इस कार्य का हम सब लोग हिस्सा बने, इस तरह की प्रेरणा हम सबके अंतकरण में जागृत हो, यही आप सब लोगों से प्रार्थना है, यही लोगों से अपेक्षा है और भगवान वीर हनुमान जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि इस मार्ग पर चलने वालों को आपका आशीर्वाद सदा प्राप्त होता रहे। वहीं इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भगवान हनुमान के चरित्र, शक्ति और सेवा भाव का जिक्र किया और कहा कि ये मंदिर न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के क्षेत्र के लिए भी प्रेरणा का केंद्र बनेगा। भारतीय संस्कृति के इतिहास में हनुमान जी का नाम शक्ति पुंज के रूप में सब लोग मानते हैं। सेवा के लिए, भगवान राम की सेवा के लिए भी सब लोग जानते हैं। मित्र चरित्र में, शक्ति में, सेवा में, विद्वता में, अगर ऐसे महापुरुष का, ऐसे भगवान का यहां पर जो है उनकी मूर्ति का, उनके मंदिर का यहां पर आज लोकार्पण हो रहा है, ये केवल मात्र दिल्ली के लिए नहीं, क्षेत्र के लिए नहीं, पूरी दिल्ली के आसपास के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का केंद्र बने। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष और स्थानीय सांसद मनोज तिवारी ने मंदिर परिसर में एक हॉल का निर्माण करवाने का वादा किया। मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए हनुमान चालीसा की पंक्तियों को गाकर भगवान हनुमान जी की महिमा का व्याख्यान किया। मैं इस क्षेत्र का सांसद हूं और उसी क्षेत्र में इतना बड़ा कार्य हो रहा है। हम तो सिर्फ इतना ही याद करना चाहते हैं कि हनुमान जी को लोग याद कैसे कैसे करते हैं। लोग कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुबर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि
हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। हनुमान जी को जब जब याद करते हैं, सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले हनुमान जी हो आप, सबके काम आने वाले। मैंने माना है संकल्प अपने, मैंने माना है संकल्प तेरे नाम से, मेरा मिलन कराना मेरे राम से, मेरा मिलन कराना मेरे राम से। वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद ठाकुर अमर सिंह ने इस मौके पर अपनी तरफ से 36 लाख रुपए के दान की घोषणा की और कार्यक्रम को भी संबोधित किया और लोभ के दौर में भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सराहना भी की। इस देश में और इस देश के चारों आजकल स्वार्थ और लोभ इसकी बहुत आयत है। स्वार्थ और लोभ के इस बार में सेवा को अपना धर्म मानकर हनुमान जी के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, काली के रूप में भारतीय संस्कृति के ज्योति पुंज को पूजित करने के लिए संघ परिवार को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। मैं तो यही कहूँगा कि तमस खत्म हो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योति पूंजित हो और भारत की जो लुप्त महानता थी उसको हम लोग शीघ्र पुनः उसकी प्राप्ति करें। मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा भारती दिल्ली के महासचिव ऋषिपाल डडवाल, उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य पांडे के साथ आलोक सांगवान, MH1 न्यूज दिल्ली। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान।